फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने सीखेंगे, यानी कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उसका मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं वे चीज़ सीखेंगे, क्योंकि इसको हम रिलेट करने वाले हैं अगले वीडियो में एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए ये निकालना पड़ता है, और ये निकालने के लिए आपको माइनर कोफैक्टर निकालना आना चाहिए। तो यहाँ से कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर हम निकाल लेंगे तो इधर एडजॉइंट मैट्रिक्स भी निकाल सकते हैं, और इसके पहले ये सब चीज़ सीखना पड़ेगा। एडजॉइंट मैट्रिक्स का यूज क्या होता है? ये यूज होता है इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने में। यानी देखिए, अगर आपको इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है तो आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने आना चाहिए, यानी एडजॉइंट कैसे निकालते निकालने आना चाहिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते आना चाहिए, माइनर कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ आना चाहिए। अल्टीमेट कहाँ पर जाता है? इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को कोफैक्टर मैट्रिक्स पढ़ना है, उसी में आप समझ जाइएगा माइनर किसको कहते हैं, कोफैक्टर किसको कहते हैं, सारा चीज़ एक ही में समझा देंगे आपको। तो जैसे मतलब मान लेते हैं ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, 3x3 ऑर्डर का मान लेते हैं, क्योंकि कोफैक्टर इन्वर्स निकालने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है, इसी का नाम स्क्वायर मैट्रिक्स लेके समझा रहे हैं आपको। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1 इतना दिया हुआ है। अब इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालें? तो देखिए ध्यान से, अगर इसका एडजॉइंट निकालना है, यानी कोई मैट्रिक्स बी निकालना है, सॉरी एडजॉइंट नहीं, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होना चाहिए ऑफ ए, तो क्या कीजिए, देखिए ध्यान से, कोफैक्टर होना चाहिए। तो कोफैक्टर होने के लिए क्या करते हैं, अगर इस एलिमेंट का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है तो इस एलिमेंट को पकड़िए और इधर से इधर डिलीट मार दीजिए, ये लाइन है ही नहीं और ये लाइन है ही नहीं, मतलब रो को डिलीट मार देना है और कॉलम को डिलीट, तो ये दोनों बच रहा है। तो जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 − 15, तो 2 − 15 तो −13 हो गया। इस एलिमेंट का निकालना है तो इसको और इसको डिलीट कीजिए, और ऑलवेज याद रखिएगा इसमें माइनस प्लस का ध्यान, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए ये जो भी आया आंसर उसमें ऑलवेज −1 × i + j से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आई जे का वैल्यू कितना, ये 1 है, इसी कारण यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगा, 1 और 2, यानी ऑड आ जाएगा, तो −1 से मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे, देखिए, इस एलिमेंट का निकालना है कोफैक्टर, तो इसको डिलीट मारिए, इसको डिलीट मारिए, तो यहाँ से 1 और −12 −11, लेकिन यहाँ का सम क्या है, i + j, इसे हमेशा मल्टीप्लाई करना है, तो −1 आ रहा है, तो −11 − 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट थर्ड कॉलम, यानी 1 3 आ रहा है, तो 1 3 रखेंगे तो 1 ही आएगा, समझ में आ रहा है, ऑड रहता है तो −1 आता है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस में ही रहेगा। इसका इसके लिए इसको डिलीट मारिए, इसको डिलीट मारिए, तो ये 5 और ये 8, 5 − 8 − 3। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऑड आने वाला है, क्योंकि ये दूसरा रो और फर्स्ट कॉलम का है, तो 3, तो यहाँ पर −1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लिए इसको डिलीट कीजिए, इसको डिलीट कीजिए, तो 1 × 3 − 20, तो −17 और −1 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, ये 2 2 पर है, तो यानी +1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 − 8 − 6 ही हो जाएगा। फिर इसमें ऑड में आएगा तो −1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद 10 − 12, तो −2 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो जाएगा। इसका निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपली इसको ऐसे करेंगे और इसको ऐसे, 9 − 8 1 आ जाएगा, और उसके बाद इसका निकालना है तो क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, तो 3 × 2 = 6 − 4, और इसमें ये आउट पोजीशन पर है, जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो −1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6 − 4 2 आ रहा है, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो −2 हो जाएगा। अब इस एलिमेंट का निकालना है तो इसको और इसको डिलीट करेंगे, 2 × 2 = 4 और 4 − 3 = 1, तो इसमें पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल गया। अब देखिए ध्यान से, जब हम ये डिलीट कर रहे थे
और यहाँ पर सिर्फ डिलीट करने के बाद ये कैलकुलेशन कर रहे थे, तो उसको कहते हैं माइनर। माइनर मतलब क्या, मतलब सिर्फ इसका माइनर निकालना है तो इसको डिलीट कीजिए और उसका कैलकुलेशन कर दीजिए। मतलब माइनर निकालना है माइनर मैट्रिक्स तो 2 3 हो जाएगा 5 1। ये किसके लिए, एलिमेंट 2 के लिए, यानी इस एलिमेंट के लिए ये माइनर मैट्रिक्स है। उसी तरह 3 के लिए कौन सा माइनर मैट्रिक्स हो जाएगा, 3 के लिए 3 को डिलीट कीजिए 1 4 3 1, ये सब माइनर है। अगर इस एलिमेंट का निकालना है तो इसको डिलीट कीजिए, ये माइनर है आपका। समझ में आ रहा है आपको, इसको डिलीट कीजिए 2 3 का निकालना है, इस 3 का, तो इसको डिलीट 2 4 3 5, समझे। लेकिन इसी में जब हम लोग माइनस वन का पावर आई प्लस जे से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें सब में और इस तरह लिख देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कोफैक्टर। मतलब इसमें जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे जो रिजल्ट, इसमें जो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इससे तो ये जो मेरा होगा ये कोफैक्टर कहलाएगा। और इसी कोफैक्टर का जब हम डिटर्मिनेंट निकाल के इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो जो मैट्रिक्स बनता है उसको हम लोग कहते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। और सिर्फ माइनर निकाल के जो मैट्रिक्स बनेगा तो उसको कहेंगे माइनर मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है आपको। और इसी का जब हम लोग ट्रांसपोज ले लेते हैं तो हम लोग इसे क्या पाते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स मैट्रिक्स पाते हैं। मतलब एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालिए और फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो एडजॉइंट मैट्रिक्स हो जाएगा। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे हो जाएगा, तो सिंपली इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। रो है तो इसको कॉलम में बदल देंगे, ये रो है तो इसको सेकंड कॉलम में बदल देंगे, ये रो है तो इसको थर्ड कॉलम में बदल देंगे। तो ये हो गया मेरा एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब यहाँ से इन्वर्स भी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे इन्वर्स कैसे निकालते हैं। पहले इन्वर्स सिखा देते हैं, इन्वर्स अब थोड़ा सा ही बचा। इन्वर्स अब निकालना है ए का, इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। इसके लिए क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और हम लोग को पता है एडजॉइंट ए। देखिए अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे इस मैट्रिक्स का और यहाँ पे हमको पता है एडजॉइंट ए का वैल्यू अभी तुरंत निकालें और सिर्फ इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा इन्वर्स मैट्रिक्स निकल जाएगा। और इसको क्या लिखते हैं, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाय मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए। इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।